गाइस अपनी तारीफ जान पूछ के करवा रही है, कह रही है थोड़ा ये बोलो करो मैं हार्ड वर्किंग हूँ। वैसे जो बात है भी अभी ऑफिस से खाना बना रही है, मेरा नाश्ता बना रही है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताओ। टाइम 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 भाई 2:30 बज रहा है। और अभी मेरा दूध और मैंने दूध और आलू के पराठे ना, आलू के पराठे है ना, अरे मक्खी है, डेंगू है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत इरिटेट कर रहा है, मुझे मार देता है। ये बना रही है यहाँ पे आलू का पराठा, उसके बाद मुझे लेके जानी है नीचे से बाइक, बाइक साफ करके मैं जाऊंगा मोटर व्लॉग करने, ठीक है, क्योंकि काफी दिन हो गया मैंने बाइक चलाई नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम का इशू मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। वैसे ना दोस्तों मुझे आलू का पराठा बनाना आता नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कैमरे के सामने, बिल्कुल इस आलू को आलू का पराठा बनाना नहीं आता, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। देखो ऐसे ऐसे मैंने करते हुए देखा है, प्रीति दीदी ने बनाती है, जैसे मम्मी बनाती है, तो मैंने लोगों को यूजुअली ऐसे ऐसे करते हुए देखा, लेट मी ट्राई फॉर द सेम। फट जाते हैं मेरे पराठे ना, कमेंट करके बताओ भाई किस किस के पराठे, पराठे गुब्बारा जो फट जाता है यार, किस किस के पराठे फट जाते हैं ना, ये कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे एक एक प्राणी है जो बहुत देर से फुंकारे मार रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन बंद किया हुआ है, वरना पूरे कपड़े खराब कर देगा। इसके साथ अभी भी खेलना था, कपड़े चेंज करता हूँ मैं। ओ भाई ये देखो मतलब खराब हो गया, वाह। इसके आलू के पराठे देख लो भाई, इसमें इतना आलू क्यों भरा था जब इसकी औकात नहीं थी इस आलू को। तुम कहते हो मुझे फिलिंग ज्यादा चाहिए होती है, तो मैंने फिलिंग भरवाई। ये देखिए जी, पूरा आलू डाल दो उसमें, फाट दिया भैया पराठा, दूध भी उबाल दिया, हम तो ऊपर जा रहे हैं। भाई देख लो पराठा कैसा बनाया इसने, कैसे लिया। एक पहलवान के पराठे होते हैं ना, कि एक पराठा खा के भाई चैलेंज होता है कि एक पराठा खा लो बाइक फ्री, एक पराठा खा लो इसका आंचल का हार्ले फ्री, वो वाला हिसाब है। आंचल पहलवान का एक पराठा खाओ हार्ले डेविडसन फ्री, तो बार बार खाओगे, बार बार खाओगे तो रोज नहीं आओगे, बिल्कुल नहीं। तो गाइस मेरे जितने भी नए कपड़े थे वो सारे मतलब ऐसे हो रखे थे बिना धुले, तो आज मैंने आंचल से बोला कि दीदी से बोल के प्रीति दीदी से सारे कपड़े धुलवा दे मेरे जितने नए हैं। तो अभी जैसे सारे नए कपड़े सूख रहे थे, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो हमारे कपड़े होते हैं उसके यहाँ एक टैग लगा होता है साइड में, तो मैं कुछ ऐसे सारे कपड़ों में अपने चेक करा था, तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो ये देखो, जैसे अरमानी का है ठीक है, और यहाँ पे जो भी है बारकोड वगैरह पता नहीं मुझे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एक चीज़ दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे ज़ारा का है ठीक है, मतलब ये सारे मेरे कपड़े हैं, ये इतना बड़ा कुछ है, इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। सारे इतनी सारी चीज़ टंग रही है यहाँ पे भाई, ये पता नहीं क्या रेड टेप, इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये मार्बल्स का जो मैं लिखा आया था इस पर तो है ही नहीं, लेकिन ये बींग ह्यूमन और ये बींग ह्यूमन, इस पर एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है इनके टाइप पे। ये देखो ये मैंने आज पहली बार नोटिस करा है, इस वाले पर दिखाता हूँ गाइस। मैंने पहली बार नोटिस करा कि बींग ह्यूमन के कपड़ों पे सब लिखा होता है, देखो स्लीप ऑन टाइम, मेकअप अर्ली, एक्सरसाइज, ईट वेल, टेक ब्रेक्स, ठीक है, मिनिमाइज स्क्रीन टाइम, ऑलवेज वेयर अ स्माइल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। भाई कितना कूल लगता है यार बींग ह्यूमन का। देखो ये कपड़े देखे गई, अरे मैं तुम्हें तुम सुनो, पहले मेरी बात सुनो, जो चीज मैंने लोगों को दिखाई है ना पहले मैं बताऊंगा। अरे मैं एक चीज दिखा रहा था लोगों को, जो मुझे भी पहली बार पता चली थी कि वो कपड़े सूख रहे थे, मैं ऐसे देख रहा था जो बींग ह्यूमन वाली टी शर्ट है ना, उन पे पीछे थॉट लिखा हुआ है बड़ा सही। मुझे नहीं पता ये चीज, अरे मैं तो देख रहा था भाई ये पहली बार देखा है मैंने, इतने कपड़े पहन के फटके मेरे चले भी गए, लेकिन आज तक ये चीज नोटिस नहीं करी मैंने कि अच्छा अच्छा, अच्छा लिखा होता है इसके पीछे। ये पराठा देख लो भाई, इसका मैक्रोनी है यार, ये पराठा देख लो, पराठे का आलू कहीं जा रहा है, जले हुए पराठे खवा रही हो सुबह, जला हुआ नहीं है, क्रिस्पी पराठा बोलते हैं, जले से मेरे से जली हुई पराठे खिलाती है मेरे को यार लड़की, यार मैं तो अच्छा बनाती हूं। ये देखो ये एक पराठा देख लो भाई, ना ये साला गोल रहा, इसके आलू भी कह रहे हैं पराठे में से निकल निकल के भाग रहे हैं कि कहाँ गूद दिए। नहीं मैं बता रहा हूँ इसमें इतना आलू भर दिया कि आलू भी कंफ्यूज हो गया कि किधर से भर रहा हूँ, उधर से भर रहा हूँ, उधर से भर रहा हूँ। जी तो भाई ये मैंने चमका दिए अपने बाइक वाले शूज, ठीक है, और यहाँ पे मेरी डेनिम जैकेट, इसके अंदर मैं गियर्स डाल लूंगा जो मेरे दूसरे लगते हैं मेरी जींस, और अभी मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो पहने हुए हैं ये एक शर्ट और ये बेकार सी लोगा, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ डॉलर से मिलने, तो डॉलर से मिलने के अलग कपड़े होते हैं हमारे घर पे, ऐसा नहीं है कि भाई तुम किसी भी कपड़े में मिल लो, क्योंकि डॉलर के आजकल बाल चढ़ रहे हैं इसलिए। हाँ मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी चढ़ते, नहीं अभी इसको ज्यादा लगता है, लेकिन मेरे लिए तो आजकल चढ़ रहे हैं, कोई बताते हैं अभी नीचे से मिलने चलते हैं, उसके बाद बाइक साफ करके फिर चलेंगे एक जगह पे। तो इस भाई साहब को मैंने यहाँ पे घुमा दिया है, घूमने के लिए पै पै कर रहा था, बाइक मैंने यहाँ पे अपनी कर दिया पूरी साफ, और ये देखो कैसे मेरा पट्टा पकड़ना है ये तब इसको ऊपर छोड़ के इसे लेके चलते हैं।
ओके गाइस, मेरे पास बहुत देर से मैसेज आ रहे हैं लोगों के, मतलब लोग कह रहा हूँ कि मिंत्रा वालों के, कि भाई हम सेल कर, मतलब सेल चल रही है कोई और फलाना टाइम का ना, तो यार ऑनलाइन थोड़ी दिक्कत हो जाती है कुछ अगर हम मंगाते हैं तो। मेरे पास काफी टाइम से जो मेरे शूज थे लास्ट टाइम मैंने लिए थे वो प्यूमा आरएस लिए थे, और उनका तब जो मैंने लिए थे उनका प्राइस जब 9500 था जब मैंने लिए थे, अब 2-3 साल बाद उनका प्राइस हो गया 4500, कितना डिफरेंस आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी कोई सेल वेल चल रही है क्यों ना उसका फायदा उठा लिया जाए, क्योंकि हो सकता है न्यू ईयर पे मैं तुम लोगों को कहीं बाहर का व्लॉग दिखाऊं, अभी थोड़ा मेरा प्लान बन रहा है, अगर होता है तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, अगर 1% होता है तो भाई तुम लोगों को थोड़ा, मतलब बेसिकली जो मेन है ना बाहर का, न्यू ईयर तो मैं हर बार घर ही मना लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार जनता को बाहर का देखना है तो बाहर का दिखा देते हैं लोगों को कुछ अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार वो बार बार शूज पहन के मैं बोर हो चुका हूँ पहले वाले, तो क्यों ना दूसरे वाले ट्राई करें, क्योंकि सेल भी चल रही है ऐसा मुझे सुनने में आया। तो एक काम करते हैं प्यूमा पे चलते हैं, और लेकिन रास्ते का जो आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा वीडियो वो मिलेगा डायनाबीस पे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मोटो व्लॉग भी बन जाएगा अपने, तो हारोले से चलते हैं। अब एक काम करते हैं, डॉलर के कपड़े हैं, डॉलर मतलब जब भी मैं डॉलर से मिलता हूँ उन कपड़ों में रहता हूँ, तो डॉलर वाले कपड़े मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि डॉलर को मैंने घुमा दिया, रेस्ट कर रहा है अपने बड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, मम्मी आने वाली हैं, और एक काम करते हैं हम चलते हैं अपना प्यूमा स्टोर पे, देख लेंगे क्या क्या चीज़ चल रही है वहाँ पे, अगर कुछ ठीक ठाक लगेगा तो उठा लेंगे। तो चलो, वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सेल वेल में से लेता हूँ, लेकिन अब मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो क्यों ना यार जब सब फायदा उठा रहे हैं तो मैं भी उठाऊँ। तो एक काम करते हैं जल्दी से चलते हैं प्यूमा स्टोर, लेट्स गो। पहन लिए हर बार में, पता आज ये मैं क्यों लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर, इस प्रोटेक्शन के ऊपर मैं अपनी नॉर्मल डेनिम जैकेट पहन लूंगा, तो ये क्या होगा कि अंदर से भी मैं इससे थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाऊंगा, मतलब कि ये दिखेगी भी नहीं और प्रोटेक्शन भी हो रखा है। ये देखो, ये लो, ये हो गया ना परफेक्ट। तो अपन हो गए हम रेडी, अभी देखो यहाँ पूरा प्रोटेक्ट हो गया है, बढ़िया ठीक है। जैसे अपनी राइडिंग जैकेट है उसको हर कहीं तो पहन नहीं सकते, राइडिंग जैकेट को आज भी नहीं पहन के जा रहा, बहुत तामझाम डालना पड़ता है। तो आज खाली बूट्स, अपने तो क्रिकेट किट के पैड पहन जाओ पैरों में अपने बूट, और जो मेरे बाइक वाले पैड उनको मैं इसलिए नहीं पहन रहा लोकल ही जाना है गाजियाबाद, तो मुझे नहीं लग रहा कोई जरूरत है उसकी। तो फिलहाल हेलो भाई, अपन हो गए रेडी, खाली बाल ठीक करना है, हेलमेट लगाना है, चलते हैं। चलो कहाँ जा रहे हो ये नहीं बताओगे? प्यूमा स्टोर जा रहा हूँ, बता दिया इन लोगों को। अच्छा, सेल वेल चल रही है कुछ तो देखे, तो मेरे लिए कुछ लेने जा रहा है नू प्यूमा स्टोर सेल में से, देख लूंगा कुछ मिलेगा तो पैसे दे देगी बाद में। पैसे नहीं दूंगी मैं, लेकिन चलो पैसा नहीं दूंगी, एक पैसा नहीं दूंगी मैं, पहले वहाँ पे चलते हैं उसके बाद देखते हैं। चलो तो मेरे चप्पल ले आना। अभी हो गया अपन हार्ले डेविडसन वाला होग राइडर रेडी, यहाँ पे पूरा देखो, यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन वगैरह लग रहा है ना पूरा, कि हाँ चलो गेयर्स पहने हुए ठीक ठाक, ये परफेक्ट आ रहा है वैसे, सही है। चलो बाय बाय, मैं आ जाऊँ यहाँ पे प्यूमा स्टोर पर, लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं है बाइक वाइक लगाने की, देख लो अलग यहाँ पे बाइक साइड में जाके भी खड़ा हूँ यार, चलते हैं वैसे और क्या कर सकते, जब हम लोग साइको ऊपर चढ़ गया गाइस, वो वाले शूज़ यहाँ पे भी नहीं मिले, अब पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा यार, इतनी दूर से आए और यहाँ पे भी नहीं मिले, देखते हैं कहाँ जाएंगे भाई। एक काम करते हैं मॉल वॉल चलते हैं किसी, या फिर किसी और शोरूम पर चेक कर लेते हैं। भाई ये रही अपनी बाइक, और यहाँ पे सर उसको देखते थोड़े हो गए जहरी, ठीक है पूरे मॉल में कुछ भी नहीं मिला है, शॉपिंग करना है, फुद्दू कट गया, मैक पफ लेके घर जा रहे हैं, पूरी बात बताऊंगा घर जाके, कोपरों की हो चुकी है बैटरी बिल्कुल डाउन, दिमाग सड़ चुका है, घर चलते हैं, घर जाके बताता हूँ पूरा सीन हुआ क्या है। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है उसमें ज्यादातर आपको अन्नू ही देखने को मिल रहा है, मैं नहीं मिल रही हूँ देखने को, रीजन बीइंग कि आई वाज बिजी सिंस मॉर्निंग, मैं बिजी थी, और अब अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने जाते हुए जब देखा था तो अन्नू वाज गोइंग टू बाय समथिंग, है ना, कुछ लेने जा रहे थे ना तुम, ये कुछ लेने जा रहा था और ये लेने गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, आई डोंट नो, बहुत सारी जगह, मतलब 1.5 घंटा हो गया खोए हुए, ज्यादा ही हो गया शायद। गोप्रो की बैटरी ऐसे टाइम पे डाउन हुई थी, हमें को रिएक्शन मिल रहे थे। हाँ, तो गोप्रो की बैटरी भी डाउन हो गई थी, 64% लेके गया था और बाकी मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या लेके आया, इतनी देर क्या सर्च किया उन्होंने, क्या ढूंढा, और ये क्या कुछ भी नहीं है पूरी मार्केट में, लेट मी शो पूरी मार्केट में कुछ भी नहीं है, पूरी मार्केट ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को अनु क्या लेके आया, हालांकि मैंने अपनी डेली वाली शॉपिंग में आपको नहीं दिखाई, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं सारे इयर रिंग्स दिखाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा कोई कमेंट नजर नहीं आया कि कोई मेरी शॉपिंग देखना चाहता है, मैंने नहीं दिखाई है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना भाई, कुछ बोलोगे तभी दिखाऊंगी, तब बोलोगे तो दिखाऊंगी, पहले ये दिखा देती हूँ अनु क्या लेके आया इतनी देर घूम के। सो हियर इज अनु, और ये सब फैला दिया अनु ने यहाँ पे बैठ गया आके एकदम तुरंत, सब इधर देखो पूरा सेट था सब कुछ, और ये अनु लेके आया मैकडी के मैक पफ, बस इतनी देर घूम के तुम्हें यही मिला? अरे ये मिल गए वो ही ठीक है, पूरे He is very much tired, दिख रहा है वो शक्ल से पूरे मॉल में, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं कब का निकला हुआ था, मैं पेट अंदर करके बोल लो, पेट बहुत दिख रहा है, कोई बात नहीं यार है तो थोड़ा बहुत दिखेगा भी, ऐसा गाइस ऐसा हुआ, देखो मैं तो यार जब तुम किसी बाइक को लेके जाते हो तो मैं ये टेंशन के इसको पार्किंग में खड़े करो, वरना फिर लोग दिक्कत दे देते हैं, ठीक है उस पर फोटो वोटो खिंचवाते हैं, एक स्टैंड गिर गया तो भाई वहां पट्टा बैठ जाएगा, तो बहुत मुश्किल से फिर मैंने पार्किंग ढूंढी वहां पे,
मतलब जो मैं प्यूमा के स्टोर के बाहर गया था, लेकिन वहां पे कलेक्शन बिल्कुल गु वो मिल रहा था, पुराने जमाने के मर्सिडीज एमजी एमजी वाले शूज, वो ऐसे फ्लैट से जो फरारी वाले चाहिए थे वो थे ही नहीं। वो सुन रही तुम्हारी बातें यार, बदतमीज यार। तो भाई फिर वहां पे मैं एडिडास पे गया, नहीं कि एडिडास के जूते मेरे को थोड़े बुढ़े टाइप लगते हैं, मेरे पास हैं भी, मैं पहन भी नहीं रहा हूँ आजकल। लेकिन फिर जब मैं गौर गया, मुझे लगा कि यार एक काम करते हैं, कुछ जैकेट वैकेट देख लेते हैं, जूते वूते छोड़ो बाहर गए, जूते की जगह जैकेट वैकेट ले लेते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन वहां गया, वहां भी गु, हर जगह गु ही कर रहा है। उसकी जगह पे ये वाला घर आ गया, इसको जो वर्ड्स बोल रहे थे, ये खाना है, ये गु नहीं है। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है, जैसा भी है, छोटा बड़ा प्यार देना और पूरा देखना यार ब्लॉग। आज मैंने स्पेशल आलू का पराठा भी बनाया है। सो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक किया करो वीडियो को, और गाइस आज हमारे लाइव स्ट्रीम को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। सो लाइव स्ट्रीम पे भी आ जाया करो 9:30 बजे। कल आएगी डायना द बीच पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो, वो भी देख लेना आप लोग जाके। अभी करते हैं इसको यहीं पे एंड। बाय बाय गाइस, कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा और लाइक जरूर कर देना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।